जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। डायरेक्ट अपने बात पे आते हैं कि आज क्या बेटा, आज है हम लोगों का 22 जुलाई। तो जब हम 22 जुलाई की बात करते हैं तो आज के दिन की महत्वपूर्ण बातें क्या है जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप लोग जानते होंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा, सभी लोग जानते होंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान में जो आपके अध्यक्ष हैं, यानी 76वें सत्र के जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम क्या, अब्दुल्ला साहिद। अब्दुल्ला साहिद पहले आपके मालदीव के विदेश मंत्री आपके रहे हैं और भारत के समर्थन से, अन्य देशों ने भी समर्थन किया लेकिन उसमें भारत का भी बहुत महत्वपूर्ण समर्थन था, उसके चलते ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के आपके प्रेसिडेंट चुने गए। आपने बोले कि सही बात है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि 3 दिन के दौरे पर ये कहां पे पहुंचे बेटा, 3 दिन के दौरे पर ये भारत पहुंचे हैं। तो ये याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अभी के समय में प्रेसिडेंट कौन है उसको ध्यान रखना है। अब यहां पे देखो एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। वो ऐतिहासिक क्या है, वो एक आपके बहुत ही फेमस प्रसिद्ध व्यक्ति हैं पी रघुराम। पी रघुराम की बात करें तो ये हैदराबाद के डॉक्टर हैं, क्या ये मिस उषा लक्ष्मी सेंटर फॉर ब्रेस्ट डिजीज के ये फाउंडर हैं, एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड कि ये आपके फेलोशिप इनको प्रदान की गई है। एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड ने इनको एक फेलोशिप प्रदान किया है और ये फेलोशिप मिलते ही ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्ति बन गए। कारण क्या है कि यह प्रतिष्ठित फेलोशिप पाने वाले ये पहले भारतीय डॉक्टर हैं। तो आज की बात से जब भी आपके पेपर में सवाल पूछा जाएगा कि जो एसजीबीआई की जो फेलोशिप है वो पाने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर का नाम, तो आप क्या बता दोगे, पी रघुराम। क्या बता दोगे भाई, पी रघुराम आप बता दीजिएगा। अब यहां पे देखिए हैती के बारे में मैंने आपको बताया था, अभी मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि हैती के जो राष्ट्रपति थे जोवेनल मोइसे, उसको उसके आपके आवास में घुस के कुछ लोगों के द्वारा मर्डर कर दिया गया। तो हैती में अब कैसे चलाया जाए, तो गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो अब वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम के एरियल हेलरी को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री आपके नियुक्त कर दिया गया है। तो हैती की यह महत्वपूर्ण घटना है, इसको आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखो भाई, जैसे ही ये फोटो आपके सामने या जैसे ही फोटो आपके दिल में आता है, एक अलग तरीके का उमंग आपके बीच में आ जाता है। इस फोटो के बारे में ये हम अपनी आन बान और शान और हमारी जान, इस तिरंगे के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं, तो आज के दिन ही 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकार किया था, नेशनल फ्लैग के रूप में। आज के दिन ही 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया था। 1931 में तिरंगे को ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था और आजादी के बाद इसी तिरंगे में चरखे की जगह पर, पहले यहां पे चरखा हुआ करता था, अब उस चरखे की जगह पे यहां पे क्या किया गया भाई, अशोक चक्र को स्थान दिया गया था। तो आज के दिन ही 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकार किया गया था। आप लोगों को पता होगा एप्पल के बारे में, आप लोग जानते होंगे ये भारत का पहला संचार उपग्रह है, नाम क्या है उसका, एप्पल। आज के दिन ही यानी 22 जुलाई 1981 को भारत ने अपना पहला भू स्थिर संचार उपग्रह एप्पल काम करना शुरू कर दिया था। इसके प्रक्षेपण की बात करें तो 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना से इसका प्रक्षेपण हुआ था। तो पहला जो उपग्रह है भारत का उसका नाम क्या है बेटा, एप्पल नाम है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। तो आज की ये महत्वपूर्ण बातें आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और 3 घंटा के करंट अफेयर का टॉपिक 5 से 7 मिनट में आप लोगों को कवर कराता हूं। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो सभी लोग इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे कि ये न्यूज आपको कैसे लगे, ये सेशन आपको कैसा लगता है। ऑफिशियल ऐप को, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें। अगर आप SSC GD की तैयारी करते हैं तो SSC GD पैरामिलिट्री बैच को लें और UP SSC PET आपके लिए अभिमन्यु बैच लेके आया है एग्जामपुर परिवार। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।